जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्टर रिव्यू पे। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 कोर्टरूम ड्रामा मूवी के बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मूवी 2018 में रिलीज हो चुका है। इसके IMDb ने 6.8 रेटिंग दिया है। इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं। आपको ये मूवी में कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा। ये मूवी 2016 में आ चुकी है। इस मूवी का IMDb ने 7.1 रेटिंग दिया है। इस मूवी में आपको थ्रिलर, सस्पेंस और क्राइम देखने को मिलेगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। ये मूवी 2017 में आ चुकी है। इस मूवी को IMDb ने 7.2 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं। इस मूवी में आपको कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा। त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। दो कौड़ी के वकील, क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूँ, अपनी औकात पे आ गया ना तो का गुड़गांव बना दूंगा। चुप जनाब, इसको मैं यही पीटूंगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं रहेगा तेरी औकात। बस करो, बस करो। ये मूवी 2013 में रिलीज हो चुकी है। IMDb ने इसे 7.5 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष कपूर हैं। इस मूवी में आपको ड्रामा, कॉमेडी और सस्पेंस देखने को मिलेगा। फिर उसके साथ भाग के सने करते उसको कलकत्ता गई। नरक भी लेके जाता तो चली जाती, और सूट में किसी को जहर मिला के देने को कहता तो वो भी दे देती। ये मूवी 2015 में रिलीज हो चुकी है। IMDb ने इसे 7.6 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर दीपकार बनर्जी हैं। इस मूवी में आपको कोर्टरूम, सस्पेंस और एक स्टूडेंट लाइफ को देखने को मिलेगा। ये मूवी 2019 में आ चुकी है। IMDb ने इसे 7.8 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। ये मूवी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर पे बेस्ड है। पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डालें तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं है। ये मूवी 2012 में रिलीज हो चुकी है। IMDb ने इसे 8.1 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर उमेश शुक्ला हैं। इस मूवी में आपको ड्रामा, फैंटेसी और कोर्टरूम का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की। क्या बात? यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते। मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, राइट? लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। मूवी 2016 में आ चुकी है। IMDb ने इसे 8.1 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर अनुरुद्ध रॉय चौधरी हैं। आपको ये मूवी में कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा। इंडिया में 75% केसेस में रेप अक्यूज को सजा होती ही नहीं है। दे जस्ट वॉक फ्री। शी यूजेस द फ्रेज दे वॉक फ्री। योर ऑनर्स, कैन एनी मैन हैविंग बीन अक्यूज्ड ऑफ रेप एवर वॉक फ्री? आज एक बार फिर मुंबई एकजुट हुआ है अपनी एक बेटी के लिए। अब देखना यह है कि इस देश की जुडिशरी क्या रुख अपनाती है। मैंने किसी का रेप नहीं।
ये मूवी 2019 में रिलीज हो चुकी है। आईएमडीबी ने इसे 8.1 रेटिंग दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर अजय भल हैं और आपको ये मूवी में ड्रामा कोर्टरूम का सीक्वेंस देखने को मिलेगा। मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया, दर्द बेइज्जती जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया, उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है। ये मूवी 2012 में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के डायरेक्टर हंसल मेहता हैं। आईएमडीबी ने इसे 8.2 रेटिंग दिया है। ये मूवी में आपको सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा। मैं बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आपका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए फिल्टर व्यू साइनिंग ऑफ।